राइट, बहुत खुशखबरी है नितिन भाई। बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्रूज कंट्रोल कब आएगा कब आएगा। अब क्रूज कंट्रोल आ गया है, तो इवन जो बेसिक मॉडल ले रहा है एक्सी, उनके लिए भी यार कम पैसे में काम हो गया उनका। यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूँ, एक ये ऐसा फीचर था जो गाड़ी को टॉप मॉडल बनाने के लिए मिसिंग था। बैंग बैंग बूम। विशाल जी थैंक यू सो मच। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कर गया है विशाल जी, इसको यूज कर रहे हैं करीब 2.5 महीने हो गए। हाँ जी, 2.5 महीने हो गए। हाँ, तो अब ये गुड़गांव में रहते हैं और हम लोग हैं नोएडा में। तो मैंने कहा कि यार ये बहुत जरूरी है, मुझे भी अपनी गाड़ी में लगाना है। तो मैंने कहा एक बार ना इनसे फीडबैक ले लेते हैं कि कैसा चल रहा है, 2.5 महीने हो चुके हैं, परफॉर्मेंस कैसा है वगैरह वगैरह सब कुछ। पहला जो लुक है आपको दिखा देते हैं, दिस इज द लुक, दिस इज द डायल। बेसिकली ये ब्लूटूथ डायल है जो कि एक अटैचमेंट की तरह लग जाता है। और ये विशाल जी सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये सब इन्होंने ना कस्टमाइज करके दिया हुआ। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। चाहे आप इसको यहाँ पे लगाइए ऐसे, वो उनका उनका मन था उनको ऐसे लगाना था तो ये कस्टमाइज कर दिया। हो सकता है आपको यहाँ पे लगाना हो, ये तो टॉप मॉडल है उनके पास, तो हो सकता है यहाँ पे लगाना हो जो जगह है, और किसी को यहाँ लगाना हो। बहुत में यहाँ भी लगाया था बिल्कुल, इधर अटैचमेंट है, लोगों ने इधर लगाया है, कस्टमर्स ने इधर लगाया है बेसिकली। हाँ, किसी ने यहाँ पे लगा रखा है। रिक्वायरमेंट्स पे है कि मतलब कस्टमर को कहाँ कंफर्टेबल फील करता है उस हिसाब से, ड्राइविंग कम्फर्ट के हिसाब से, तो मुझे ये बेस्ट पोजीशन लगी। आपके मतलब वायरलेस क्रूज है, अब ब्लूटूथ डिवाइस है। चलो ये हो चुका है, अब मेन चक्कर क्या होता है ना, देखो क्रूज कंट्रोल वगैरह मार्केट में बहुत मिलेंगे, अब ये जानना चाहते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितनी अच्छी तरह हमारी निक्सॉन में काम कर रहा है। तो विशाल जी से बेटर कोई नहीं हो सकता जो हमें यह बता पाए। 2.5 महीने हो चुके हैं, लगाने के बाद आपने कितना ड्राइव कर लिया गाड़ी? सर 2500 किलोमीटर ऊपर कर दिया, 2500 किलोमीटर ऊपर ड्राइव हो गया मेरा कार। बेसिकली 19 मॉडल था, इसमें क्रूज मिसिंग था। टाटा ने नहीं दिया, BS6 में आना शुरू हुआ। हाँ जी, BS6 में आना शुरू हुआ, तो वी मिस दिस फीचर्स। और आप हाईवेज इंडिया में इतने अच्छे हो गए हैं कि सब जगह ही क्रूज आप लगा के ड्राइव कर सकते हैं, और सिटी लिमिट्स में भी आप सब स्पीड लिमिट्स हैं, तो वहाँ भी आपको इवन एक कॉन्स्टेंट स्पीड चाहिए, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है कि आप एक कॉन्स्टेंटली ड्राइव करें सिटी में। डिसिप्लिन ड्राइविंग आप इजिली लेन ड्राइविंग करके इसमें कर सकते हैं, और माइलेज का भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस है इसके अंदर बेसिकली, तो यू गेट मोर माइलेज इन सिटी एंड हाईवे एज वेल। आपने बोला 3-4 का डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, 3-4 किलोमीटर डिफरेंस इजीली देता है आपको माइलेज में। और जैसे ये लगने के बाद इंगेज वगैरह करते हैं तो ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, हल्का सा डिले तो होगा लेकिन ऐसा डिले तो नहीं है ना कि परेशान कर रहा है? नहीं, इसमें लैग कोई नहीं है बेसिकली, इंस्टेंटली आपको सेम स्पीड पर ड्रॉप कर देता है, जिस भी स्पीड पर आप फिक्स करते हैं इंस्टेंटली ही फिक्स कर देता है, देयर इज नो लैग। पुश बटन है, जस्ट वन टच है, और इजीली ही एंगेज डिसएंगेज हो जाता है। इट कैन बी डिसएंगेज व्हाइल प्रेसिंग द ब्रेक्स, राइट, और यहाँ से आप अगर इसको दोबारा प्रेस करेंगे बटन को, डिसएंगेज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको डायल दिखा देता हूँ, दिस इज द कंप्लीट डायल। अगर इसको आप लेफ्ट की तरफ इधर मोड़ोगे तो क्लॉक वाइज तो ये स्पीड जो है इंक्रीज होगी आपकी क्रूज की, अगर इसको लेफ्ट करते हैं तो डिक्रीज होगी। और जो ये बटन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं ना, इनका फंक्शन बता दीजिए। सो बेसिकली ये सब फ्यूचर के लिए उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसमें ऐसा है कि अभी ये बटन्स पे डिफरेंट फीचर्स आ सकते हैं, तो अभी एक बीटा टेस्टिंग में वर्जन चल रहा है हमारा, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में पहली मेरी नेक्सन थी जिसमें इंस्टॉल हुआ था, तो इसका अपडेट मुझे आया हुआ है। अब इन दो बटन्स पे इन्होंने थ्रॉटल रिस्पांस दिया है। किस वाले बटन पे? इन दोनों हाँ जी, इन दो बटन पे थ्रॉटल रिस्पांस है, तो एक सिटी मोड है और एक स्पोर्ट्स मोड है। तो वाइल ड्राइविंग योर कार इन इको मोड, कि नेक्सन ओनर्स जानते हैं कि इको में हमें थ्रॉटल रिस्पांस बहुत ही कम मिलता है, लेकिन बेटर माइलेज वहीं मिलती है, तो हम इस मोड को सिर्फ हाईवे पे यूज कर पाते हैं। तो लेकिन विद दिस रिस्पांस, विद दिस थ्रॉटल रिस्पांस एट द मोमेंट, जो भी लास्ट वीक से मैं टेस्ट कर रहा हूँ, कार बहुत रिस्पॉन्सिव हो गई है और मेरी माइलेज पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया, बल्कि माइलेज बेटर हो रही है कि मैं क्रूज यूज कर रहा हूँ। लेकिन विशाल जी ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने ये सेल कर दिया, लग गया, उसके बाद दे हैव नॉट स्टॉप्ड देयर, है ना, उसके बाद भी अपडेट जो नए हैं वो उसमें अपडेट आ रहे हैं। कस्टमर द कंपनी द ओनर इज यू नो वेरी रीजनेबल और बहुत ही अप्रोचेबल है वो, बट यू कैन टॉक 1-to-1 विद द ओनर, जो सबसे बड़ी बात है। आप अपने फीडबैक दे सकते हैं उनको, और वो नई नई चीज़ करने को तैयार है। जैसे अभी नया उन्होंने नेक्सन स्पेशली इन्होंने किया, क्योंकि इको मोड में नेक्सन रिस्पांस ही नहीं करती, तो हमारी ये कंप्लेंट थी कंपनी से कि बहुत ही स्लो मोड है ये, हम इसको यूज़ तो करना चाहते हैं, वेरी स्लो, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा और इन्होंने मतलब उन्होंने इस चीज़ को समझ के और ये चीज़ अपडेट दिया है अभी हमें,
कि जो थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव हो गया, मतलब फैंटास्टिक इको ड्राइव सिटी से ऊपर चल रहा है, ऊपर चला, मैंने चलाया था, आई कुड फील दैट। तो इन बटन का कोई नहीं, लेकिन फ्यूचर के लिए शायद रखे हाँ जी, अभी कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जैसे फीचर्स इसमें ऐड होते जाएंगे तो इन बटन का साइन कर दिया जाएगा फ्यूचर के, जैसे अब ये दो बटन असाइन हो गए हमारे फॉर सिटी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, बेसिकली शायद हो सकता है ये बाद में कुछ और असाइन हो जाए। हाँ बिल्कुल, तो इसमें क्रूज कंट्रोल वाले सभी गुण हैं, जो भी नॉर्मल कंट्रोल में होता सब कुछ इसमें होता है। एंगेज होता है, डिसएंगेज हो जाता है, आप इसमें इसमें वापस रिज्यूम बटन है, रिज्यूम कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस से रिज्यूम हो जाता है तो क्रूज आपका वापस रिज्यूम हो जाता है, और एक्सलेट करके गाड़ी वापस सेम क्रूजिंग स्पीड पे भी आ जाती है जैसे नॉर्मल क्रूज बिहेव करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका डायल बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जो कि नॉर्मल कार से बहुत ही इजीली ऑपरेटेड है, बहुत इजीली स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, तो नॉर्मल कार में भी थोड़ा टाइम लगता है। एप्लीकेशन जो आर क्रूज की एप्लीकेशन आती है, नेक्स्ट क्रूज की एप्लीकेशन ये आती है, तो इसी के थ्रू ही आपको अपडेट्स ओटी अपडेट्स वगैरह ऑनलाइन आता है, तो सारा सपोर्ट आपको ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। और बेसिकली ये आपका कार परफॉर्मेंस भी दिखाती है कि कार कहाँ एक्सलेट कर रही है, कहाँ नहीं कर रही है, कितने लिमिट पे क्रूज सेट है, अभी क्रूजिंग स्पीड क्या चल रही है। इवन इसमें एक स्पीड मतलब स्पीड लिमिटर का भी फंक्शन है कि इससे ऊपर गाड़ी जाएगी, वेयर यू कैन लिमिट योर स्पीड बाय दिस ऐप और आपकी कार उस स्पीड को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि बहुत ही इलीट कार्स में आता है, एब्सोल्युटली इलीट वर्जन में आता है, तो इवन ये फीचर भी इसमें एक एक्स्ट्रा है नेक्स्ट क्रूज में। फैंटास्टिक। अब ये इट्स ऑन अ वाइट लाइट बेसिकली, अब इट्स वन टच थिंग, डायल पे आप एक बार दबाएंगे तो क्रूज विल एंगेज, लॉक हो गया और वो ग्रीन हो जाएगा। हाँ जी, अब ये डायल आपको ग्रीन दिखा रहा है, दैट मींस योर क्रूज इज लॉक्ड ऑन अ स्पीड। अभी मैं 38 के आसपास लॉक किया है इसको, और ये भी कार, हाँ जी कार इज क्रूजिंग ऑन द स्पीड। अब ब्रेक, जैसे ही ब्रेक टच होगा, हाँ जी ये डिसएंगेज हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, लाइट गोज ऑफ, बेसिकली द ग्रीन लाइट गोज ऑफ, तो बताता है कि क्रूज आपका बंद। हाँ जी, अब आपको रिज्यूम करना है, जैसे सब कार में क्रूज रिज्यूम फीचर होता है, यू टू जस्ट लॉन्ग प्रेस इट। अच्छा, तो लॉन्ग प्रेस इट एंड ये वापस अपना क्रूजिंग स्पीड जो लास्ट था मेमोराइज था उस पे वापस आ जाता है। तो मेमोराइज करने के लिए, अच्छा आपने पहले 30 पे किया था, 30 पे करेंगे, एक बार आपको कार स्टार्ट कर इग्निशन ऑन होने का एक बार क्रूज को एंगेज करना पड़ता है, फिर ये मेमोरी फंक्शन में चला जाता है उसको। अगर आपको 40 या 50 पे करना है तो फिर आपको यहाँ से डायल जैसे रोटेट करना पड़ेगा बेसिकली, तो यहाँ यहाँ पे डायल कंट्रोल दिया है, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली। नाउ द स्पीड इज गॉन अबाउट 50, यहीं से हम राइट साइड पे अगर इसको सपोज रोटेट करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, लेफ्ट कर रहे हैं तो इट्स डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेरी सिंपल। इज इट कम टू 60 एट द मिनट, तो इसमें कोई डिले वगैरह है या फिर इंस्टेंट है? नहीं सर, डिले इसमें एसेस नहीं है, क्योंकि बाकी कार्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये 2-3 स्पीड्स लेता है वन क्लिक में। अच्छा, तो बाकी कार्स लेती है वन क्लिक में, तो आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है अगर आपको 5 किलोमीटर एक्सलेशन चाहिए। राइट, अगर हमने यहाँ पे क्रूज एंगेज किया और हम इसको 3 बार घुमाते हैं, 3 times, 1, 2, 3, तो 10-12 की एक्सलेशन ले लेगा किलोमीटर में। अच्छा, सो यू टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स, आपको लग रहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम है तो आप आगे गैप है मेरे पास, तो आप इसको 3 times घुमा दीजिए, तो अराउंड 15-17 किलोमीटर ले लेगा, और इट्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज। अच्छा है, मतलब बहुत रैपिड भी नहीं, बहुत रैपिड भी नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ब्रेक लगा, इट गेट डिसएंगेज, ग्रीन लाइट जो है ऑफ हो गई है, डिसएंगेज हो गया जी, तो इट वर्क्स लाइक अ नॉर्मल क्रूज बेसिकली। अगर आप उस बटन को दबा रहे हैं, वी जस्ट प्रेस इट वंस, दैट्स इट, द क्रूज इज एंगेज्ड, वो ग्रीन हो गया, इट इज एंगेज अराउंड 37 के आसपास। यहाँ पे लाइट बता देती है कि हमारा जो है वो क्रूज इज नाउ एक्टिव। हाँ जी, क्रूज इज नाउ एक्टिव, अभी आपकी गाड़ी क्रूज कर रही है बेसिकली, क्रूज कर रही है। तो क्रूज का ये फायदा है कि आप इसको लोकली भी, क्योंकि आजकल सब जगह स्पीड लिमिट्स है, तो आप इसको लोकली भी यूज कर सकते हैं, बिलो 50 अगर आपने करना है और आपको लगता है कि थोड़ा मार्जिन है तो यू कैन जस्ट रोटेट इट। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे दिल्ली में 50 का है, हाँ अगर हमने 48-47 पे ऐसा, हाँ, हाँ, तो स्टॉप हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। देखिए मानिए अगर मैं दिल्ली का ये ले लेता हूँ इक्वेशन, अभी कार इज ऑन 45, आई लॉक इट ऑन 45, तो ये 45 पे क्रूज करते रहेगी कार आप। परफेक्ट, राइट, सो इट वर्क्स इन योर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कार। स्पीड लिमिट के लिए ये बहुत बड़ा फंक्शन और बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको बार बार ध्यान नहीं करना होता पेडल ज्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं, आपने अपनी एक 45 की स्पीड सेट कर दी और कार आपकी क्रूज करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि आगे की कार स्लो हो रही है तो यू कैन रिड्यूस द स्पीड विद द डायल। डायल, अच्छा, सो यू कैन बोथ स्पीड रिड्यूस, बोथ वेज, और रिड्यूस हो रहा है स्पीड, देखिए। अच्छा, लेट्स कम बैक टू 40। हां, दैट्स इट, मतलब इंडस्ट्री में कोई कार नहीं है, सब 30 से 40 से अबव लॉक होती है क्रूज पे। और ये कितने में, मिनिमम कितने पे लॉक गोस ओवर 15, जैसे 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा वो लॉक हो जाता है क्रूज।
कि इन्होंने थ्रॉटल इनपुट बढ़ाया है इको मोड्स में ताकि नेक्सन ओनर्स को थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हो व्हेन ड्राइविंग इन इको बेसिकली. इको में भी सब ड्राइव करना तो चाहते हैं फॉर बेटर माइलेज लेकिन वो चला नहीं पाते सिटी कंडीशन में क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर और कार बहुत स्लो रिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि इट्स इको मोड. लेकिन इस मोड के अंदर जो अभी नया अपडेट है नेक्स्ट क्रूज में उसमें ये चल रहा है कि आप स्पोर्ट्स और सिटी दोनों यूज कर सकते हैं तो थ्रॉटल इज वेरी रिस्पॉन्सिव. थ्रॉटल बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाता है एंड यू कैन नॉट फील कि कोई आपको स्ट्रेस आ रहा है इको में. तो आप सिटी से अबव लिमिट्स पे चलता है इको में व्हिच इज दिस ग्रीन लाइट शोज दिस मोड. देयर इज दिस ग्रीन लाइट इट शोज कि अभी सिटी मोड में है जो थ्रॉटल इनपुट है. अब अगर इसको आप ऑरेंज कर दें सो दिस इज अ स्पोर्ट्स मोड. आप लगा कि वो स्पोर्ट करें तो जाएगा सुपर स्पोर्ट्स मोड. क्या बात कर रहे हो यार. ये लो रियली तो माइलेज में डिफरेंस आपने नोटिस किया है क्या सर. देखिए मैं इसको अभी मोस्टली सिटी मोड में चला रहा हूँ तो मुझे सिटी मोड ही इनफ लगता है. ऑब्वियसली जब स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे थोड़ा माइलेज पे डिफरेंस तो आएगा. स्पोर्ट्स मोड तो जैसे भी आपने लगाया था ना तो ऐसे लग रहा था जैसे इसके पीछे कोई रॉकेट लग गया. अब मैं नितिन जी और मैं इसलिए आए थे क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना है तो मुझे देखना था लुक वगैरह कैसा है परफॉर्मेंस कैसा है. तो वो हमने देख लिया ठीक है. मैंने इसको चलाई भी है गाड़ी कुछ तो वो देख लिया मैंने. अच्छा है सेटल्ड है आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. तो ये मेरी गाड़ी में लगने वाला है. लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दो चार चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है. वो है क्या इसमें कोई वायर कट होता है. नहीं सर इसमें कोई वायर कट नहीं है. इसे ऑल प्लग एंड प्ले डिवाइस है और किसी भी यूज़र के लिए बहुत इजी है इसको लगाना क्योंकि वहाँ पे अगर आप चैनल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो अपलोडेड हैं कि इसको कैसे करना है कैसे ओबीडी पोर्ट में लगाना है क्या कनेक्ट करना है. देयर इज 4 to 6 वायर्स कनेक्ट करनी इंटरकनेक्ट करना है खत्म एंड दैट्स इट. इट डज नॉट टेक मोर देन 20 मिनट्स टू इंस्टॉल. दैट्स इट दैट्स इट. और ये ऑटोमेटिक में लग सकता है मैनुअल लग सकता है निक्सॉन में लग सकता है टाटा की गाड़ी में लग सकता है हर किसी ब्रांड में लग सकता है. अब लगाना कहाँ पे है किनको बात करनी है. पीछे हमारे बैठे हुए हैं नितिन भाई तो इनको कांटेक्ट कीजिएगा उनके थ्रू आपका जो ये है. आप चाहे तो आप वेट भी कर सकते हैं जिनको लगाना है लगवा लीजिए. मैं अपनी गाड़ी में लगा के मैं भी फीडबैक देता रहूँगा तो आप लोग को मिलता रहेगा कि गाड़ी कैसे चल रही कैसे नहीं चल रही. बहुत बढ़िया इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग हो चुकी है क्योंकि ईवी में तो ये आज से 2 साल पहले लॉन्च हो चुका है. पूरी टेक्निकल टीम है हमारे साथ में जो कि हमारे को हर चीज से सपोर्ट करती है. अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है आपने कभी क्रूज कंट्रोल नहीं यूज किया तो आप वो चीज हमारे यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट से समझ सकते हैं. वो पूरी सपोर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस पे मिलेगी मिल जाएगी. और आई एम रियली हैप्पी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट. मुझे लगता है 1-2 हफ्ते में लग जाएगा. तो एक सपना था कि मेरी गाड़ी में आप लोगों ने देखा ही है मेरी गाड़ी जो बगल में खड़ी है XM है पूरी टॉप मॉडल हो चुकी है. ये मिसिंग था क्रूज कंट्रोल ये भी लगने वाला है. एंड मैं इसलिए खुश हूँ कि ये वायरलेस है तो मैं इसको कहीं भी ये यहाँ पे चिपका नहीं है कहीं भी लगा सकता मेरी नो लिमिटेशन. तो यही था. अब जो भी जिसको भी लगाना है आपने विशाल जी का जो फीडबैक है वो देख ही लिया. नितिन जी को कांटेक्ट कर लीजिएगा और मेरा वीडियो भी इसमें आएगा मेरी गाड़ी में इंस्टॉलेशन कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा. ये आपको इंस्टॉल करके 26,000 के आसपास पड़ेगा. एग्जैक्टली जो प्राइजेस हैं हम बहुत जल्दी रिवील करेंगे आपको अपडेट करेंगे. थैंक यू विशाल जी. थैंक यू सो मच. वेरी मच सर. एंड विशाल जी ने इतना टाइम दिया 2-3 घंटे से हम बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच रियली अप्रिशिएट दैट. सबसे बड़ी बात हो भैया को बहुत मैं थैंकफुल हूँ इनका. इन्होंने अपना टाइम हमारे को दिया अपने बिजी शेड्यूल में से बिकॉज एक नेक्सॉन ओनर्स और एक जो पूरी नेक्सॉन फैमिली है ना वो हमने पिछले 4 साल में बिल्डअप किया है. बिल्कुल, बिल्कुल. और ये देखिए कि ये मतलब आप सभी के लिए इनके लिए भी बहुत मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने टाइम दिया. नहीं नहीं मेन तो इनका ही है. अगर वो कहते हैं यार नहीं टाइम नहीं है तो वो हो ही नहीं पाता ना. और लोग को पता चल ही नहीं पाता. इनका एक्सपीरियंस मिला हमारा मेन चीज वही है. थम्स अप फॉर यू सर विशाल जी. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. आई एम हैप्पी. मैं दोबारा निकाल के दिखाता हूँ ये वायरलेस है आपका. और आइए दोबारा मिलते हैं.